हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कुछ बड़ी अपडेट के बारे में। कोरोना लॉकडाउन के बीच यूपी में कोई भी छूट नहीं दी गई है। विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रमोट करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही दूध 20 रुपये लीटर बिक रहा है और अब एक साथ 50 लोग कर सकेंगे वीडियो कॉल। इसके साथ ही रेलवे ने ट्रेनें चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई। इन सभी न्यूज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं विस्तार से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉकडाउन केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य सरकार ने नहीं लिया कोई फैसला। जी हाँ दोस्तों, यूपी में किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं दी गई है। इसके साथ ही केंद्र के नए आदेश की खास बातें, सभी तरह की दुकानों को खोलने की छूट है क्या? रोज़मर्रा के ज़रूरी सामान के अलावा कुछ बुक स्टोर, इलेक्ट्रीशियन, टेलर समेत कुछ अन्य दुकानें भी खोली जा सकती हैं, लेकिन मॉल नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही 15 अप्रैल के आदेश में संशोधन कर केंद्र सरकार ने शहरी व ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने की सशर्त छूट दी है। इसके साथ यहां पर आप देख सकते हैं, सरकार ने 3 मई के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई छूट देने के भी सरकार ने 3 मई के बाद के लिए तैयारी शुरू कर दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते पूरी तरह हटाने की संभावना कम है। हालांकि इसके स्वरूप में बदलाव करने व कुछ क्षेत्रों में छूट देने की संभावना है। शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहां पर आप देख सकते हैं, 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता। 6 भत्ते भी स्थगित कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। कोरोना के साइड इफेक्ट, मार्च 2021 तक लगी रोक, 27 लाख कर्मियों व पेंशनरों को होगा नुकसान। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी का साइड इफेक्ट नज़र आना शुरू हो गया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर अगले 1.5 साल के लिए राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता व महंगाई राहत न बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैसेंजर ऐप अब एक साथ 50 लोग कर सकेंगे वीडियो कॉल। जी हाँ दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक ने मैसेंजर ऐप में मैसेंजर रूम नामक एक नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर जोड़ा है। इसमें एक साथ 50 लोग असीमित समय के लिए वीडियो कॉलिंग करेंगे। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने इसका ऐलान किया है। इसे जूम ऐप को कड़ी टक्कर मिलेगी। जूम ऐप के फ्री वर्जन से एक साथ 100 लोगों से अधिकतम 40 मिनट तक वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। इसके साथ ही जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लखनऊ में नहीं खुलेंगी दुकानें, 3 तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी, ये कहना है लखनऊ के DM का। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, तेलंगाना में मुस्लिम मरीजों को शहरी अस्पताल में बिरयानी मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि कोरोना पीड़ित मुस्लिम मरीजों को शहरी व अस्पताल में पौष्टिक खुराक दी जाए, जिसमें बिरयानी भी शामिल होगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, गांव-गांव घूमकर 20 रुपये लीटर बिक रहा है दूध। यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटी डेयरियाँ बंद हो गई हैं, बछड़ों को पिला रहे बच्चा दूध, खपत आधी, रेट भी इसलिए घट गया है। इसके साथ ही चारा महंगा और दूध सस्ता, कमजोर हुए मवेशी पराकृत समितियों को बेच रहे हैं दूध। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, लॉकडाउन में होटल, रेस्तरां और मिठाई की दुकानें बंद हैं, लोग भी घरों से नहीं निकल रहे हैं, हर तरफ नाकेबंदी है। इससे दूध की बिक्री भी घट गई है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में दूध महज 20 से 25 रुपये लीटर में दूध बेचने को मजबूर हैं। इस बीच चारे की बड़ी कीमत ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। हालांकि कुछ इलाकों में दूध ये पराग जैसी सरकारी और निजी डेयरियों को दूध बेच रहे हैं, ताकि उन्हें कुछ बेहतर कीमत मिल सके। और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस बार नया सेशन सितंबर से शुरू हो सकता है। और इसके साथ ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का सुझाव दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कमेटी ने स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट करने पर भी विचार किया है। सूत्र बताते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं ले पा रही हैं, तो पुराने सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट करने का ऑप्शन कमेटी ने दिया है। और अगर यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रमोट नहीं करना चाह रही है, तो वह पेपर्स की संख्या घटाकर असेसमेंट कर सकती है। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेलवे ने ट्रेनें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसके साथ ही लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेल संचालन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए रेलवे ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। लॉकडाउन के बाद परिचालन दक्षता में सुधार के लिए रेलवे ने कुल 21 विषयों पर काम शुरू किया। इस कार्य के लिए रेलवे ने बोर्ड एवं जोनल रेलवे के सभी वरिष्ठ अफसरों को लगाया है। इसमें GM NCR राजीव चौधरी को रेलवे बोर्ड ने
परिचालन, अनुरक्षण, निर्माण और विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में योजना तैयार करने वाली समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूज, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसमें अदर फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।